डॉलर मिल रहे थे तो वो फिर यहाँ पर फिर हम हमारा रवैया फिर और था और हम फिर किसी और नजर से और किसी और नाम से उनको पुकारते हैं। लेकिन आज जब वो सिलसिला नहीं रहा, पिछले दिनों एक वीडियो हमारी नजर से गुजरी कि वो जो मुहाजरीन यहाँ पर आए हुए थे तो उनको बेड़ बकरियों की तरह रस्सियों से बांधकर कोई सिंध या कराची की कोई वीडियो थी, तो बहुत ही अफसोस की बात है। और ये सिर्फ बाय द वे कराची में नहीं, पेशावर में और मुल्क के और भी तमाम इलाकों में इस तरीके के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं कि या तो फिर उनको आने नहीं जाए दिया जाए, फिर जब वो आ जाते हैं तो कम से कम इंसानों वाला सलूक तौर के साथ किया जाए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हमने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमारे पास अभी तक कोई कानून नहीं है कि अफगान मुहाजरीन के साथ हमने किस तरीके का रवैया, कौन से कानून के तहत हमने उनको ट्रीट करना है। पूरी दुनिया भी खामोश है, यूएनएचसीआर भी खामोश है और हमारी अपनी हुकूमत भी वफाकी खामोश है। हमने ह्यूमन राइट्स की एक सब कमेटी बनाई है, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो सब कमेटी अपनी सिफारिशात दे कि बुनियादी तौर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत को बनती है कि वो इस हवाले से कुछ ना कुछ कानून साजी जरूर करें, क्योंकि वो जो तकलीफ से आजकल गुजर रहे हैं और वो पूरी दुनिया उनके मुजरिम है। वो यहाँ पर कोई भी अपना घर बार खुशी से नहीं छोड़ता, वो मजबूरी से यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बननी चाहिए। यू मेड अ पॉइंट।